चार सीटों पर उपचुनाव होने, एक लोकसभा सीट और तीन विधानसभा सीटों। राज्य में चुनाव प्रचार का जोर लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की। खासकर के बीजेपी को लेकर बात की जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट मांगकर उसको विजयी बनाने की जनता से अपील कर रहे हैं। क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। इलाके में विकास कार्य भी तेज गति से होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल सिंह यादव के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की, साथ ही कांग्रेस पर कर्ज माफी के वादे को लेकर जमकर निशाना साधा। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुधर शर्मा, मंत्री गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग, भरत सिंह कुशवाहा सहित अन्य सांसद विधायक उपस्थित रहे। चुनाव होता है जनता के कल्याण के लिए, चुनाव होता है गरीबों के उत्थान के लिए, चुनाव होता है किसानों की समस्या दूर करने के लिए। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, किसी जाति और समाज से हम आते हो, हम सामान्य वर्ग के हो, हम पिछड़े वर्ग के हो, ये टीम आपकी बैठी है, ये साधारण टीम नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ भारत सिंह कुशवाहा बैठे, पंडित गोपाल भार्गव बैठे, डॉक्टर सुराम चौधरी बैठे, सुरेश नाथ खेड़ा बैठे, ये पूरे नेता बैठे और खुद शिवराज सिंह चौहान है। हम गारंटर हैं यहाँ के विकास के, गारंटर गारंटी ले रहे हैं। और पहली चीज यही कहना चाहता हूँ, पहली चीज यही कह रहा हूँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, यहां मामा शिवराज सिंह चौहान बैठा है। इस सरकार में सबसे पहला हक है गरीबों का और किसानों का। अरे सुन लो बहनों भाई, वही सरकार में फलने की जरूरत नहीं है। मामा काय के लिए अच्छे अच्छे जो अपने आप को दबंग कहते थे, इंदौर भोपाल में भटके फिर रहे, पता नहीं चले गया कहाँ चले गए, आसपास भी पता नहीं। सीधे रुख करेंगे रेगांव विधानसभा का, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम चल रहा है। भाजपा की सरकार में हुआ है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है। आज गरीब आदमी की जिंदगी बदल रही है, किसानों के आमदनी का दोगुना का काम तेज गति से शुरू हुआ, आज गांव विकसित हुए, गांव समस्या मुक्त हो रहे। धीरे धीरे एक एक करके निर्धारित समय सीमा के भीतर भीतर सभी तरह की समस्याओं का हल निकलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, समय बहुत कम है, ये सबरमाला की धरती है, वीरांगना रानी अवंती बाई की जयंती यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाते हैं हमारे लोधी समाज के भाई बहन, अन्य समाज के लोग भी जुड़ते हैं। लंबे समय से उनकी मांग थी, आपने उसको पूरा करने के लिए कहा भी है, चुनाव है, चुनाव में घोषणा हम नहीं करेंगे हम जानते हैं, लेकिन रानी अवंती बाई जी का जो बलिदान था, जो आजादी की लड़ाई में उनका योगदान था, वो कभी इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ के लोगों की जो मांग है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको चुनाव के बाद जरूर पूरा करेंगे। बरहा और आसपास के गांव के लोगों को कई तमाम छोटी छोटी सड़कें, कुछ पुलिया और यहाँ पर कई ऐसे चीजें हैं जिनकी बात मैंने पहले भी आपसे कही है। आज चुनाव का समय, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, एक एक चीज मेरी जानकारी में है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा हम पूरा करेंगे। वो तो एक कार्यक्रम एक बार बना था, लेकिन समय की कमी के कारण वो कार्यक्रम हो नहीं पाया, बाद में चुनाव आचार संहिता लग गई। लेकिन सबरमाला और इस क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं रखी जाएगी, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। समय कम है, मैं आप सबकी जो मांगे हैं मेरे पास है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को शहर सौंप रहा हूँ, उसका अध्ययन करके उसको निराकरण के निर्देश अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीपाल शर्मा जी, जो जिले के उपाध्यक्ष हैं, उनके साथियों के साथ में गजमाला से मुख्यमंत्री जी का स्वागत होगा और सीधे प्रत्याशी प्रतिमा जी को अपील के लिए बुलाना चाहता हूं कि प्रत्याशी प्रतिमा बागरी जी आए और अपील करें।
माता की, भारत माता की। आज सिमर वारा मंडल में हम सब के बीच मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल जी, सतना जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र त्रिपाठी जी, सतना जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, नागौर से विधायक एवं पूर्व मंत्री आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मेरे चाचा जी आदरणीय पुष्पराज बागरी जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गगनेन्द्र प्रताप सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह जी, मंडल अध्यक्ष धनंजय सिंह जी, धर्मेंद्र शुक्ला जी, मंच का संचालन कर रहे सतीश शर्मा जी, मंच में विराजमान ज्ञानेन्द्र पांडे जी, विकास सिंह जी, अरुण सिंह जी, उपेन्द्र पटेल जी, ओम प्रकाश लोधी जी, अरविंद लोधी जी, विष्णु लोधी जी, श्रीमती सीमा लोधी जी, रोहिणी लोधी जी, जितेंद्र सिंह गैरवार जी, धर्मेंद्र शुक्ला जी, सीमा सिंह यादव जी, मंच के सामने विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ एवं प्रबुद्ध कार्यकर्ता पदाधिकारी, समरवारा के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ नागरिक बंधु, माताएं बहने एवं मेरे भाई, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेगांव विधानसभा में एक ऐसी आकस्मिक घटना घटी जिसको हम सभी कभी भुला नहीं सकते। आप सबके लोकप्रिय विधायक मेरे बाबा जी आदरणीय स्वर्गीय श्री जुगल किशोर बागरी जी का असमय निधन हुआ, जिस कारण यहाँ शोक की लहर ऐसी दौड़ी और आप सब किसी के पास अपनी बात रखने के लिए जा नहीं सकते थे, ऐसी विडंबना उपस्थित हुई। अब यह दौर आया है कि उपचुनाव का बिगुल बजा है और उपचुनाव की घोषणा हुई। पार्टी के शेष नेतृत्व ने इस बेटी पे भरोसा जाया और आप सबके बीच प्रत्याशी के तौर पर आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए मुझे भेजा। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सब जिस प्रकार अपना प्रेम और स्नेह मेरे बब्बा आदरणीय जुगल किशोर बागरी जी को दिए हैं, उसी प्रकार इस नातिन को भी अपना असीम प्रेम देने की कृपा करें। यह बेटी आपको वादा करती है कि कहीं भी आपको उनकी कमी महसूस नहीं होने देगी और उसी प्रकार आपके घर की सदस्य बनकर रहेगी, जिस प्रकार वह आपके हृदय में स्थान बनाए थे वही हृदय में स्थान बनाएगी यह बेटी। यह वादा करती है कि आपके सुख दुख के साथ ही यह बेटी भी बनकर दिखाएगी, आपको कहीं भी यह महसूस नहीं होगा कि आपने अपने परिवार का सदस्य जो बुजुर्ग था आपके लिए सम्मानी था उसको खोया है। मेरी आपसे अपील है कि आप इस बेटी को आने वाली 30 तारीख को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यह बेटी विश्वास दिलाती है कि आपके सम्मान में कहीं कमी आने नहीं देगी, आपके भरोसे को कहीं टूटने नहीं देगी। तो क्या यह बेटी आश्वासित हो जाए कि आप सबका आशीर्वाद और प्रेम इसे मिलेगा? यह बेटी हृदय से आप सबके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगी और आपकी ऋणी रहेगी अगर
आपने इस बेटी को सम्मान दिया तो यह बेटी आपके सम्मान में ठेस नहीं आने देगी। इसी वादे और विश्वास के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और भारत माता की जय, वंदे मातरम। सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो आप सबके लिए जहां बेटियों को एक तरफ लाडली लक्ष्मी बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, गांव के गरीबों के भाग्य को बदलने वाले ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं सीधे मंच में बुलाना चाहूंगा। मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम, करतल ध्वनि के साथ में स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, बुलाइए माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर मंच में। सबसे पहले तो मेरी छोटी छोटी बेटियां, ये छोटी छोटी बेटियां बड़ी देर से खड़ी हैं, एक मिनट उनसे आराम से बात कर लेंगे। पहले ये जो छोटी छोटी बेटियां खड़ी है, मेरा प्रार्थना है कि बहुत देर से खड़ी है वो, अब उनको बैठा दिया जाए, कलश भी वो अपने सिर से उतार ले, बहुत देर से बेटियां खड़ी हुई है। और मेरा वरिष्ठों से कहना है कि उनको बिठा लेंगे तो ठीक रहेगा, बहुत देर से खड़ी है छोटी छोटी बेटियां। और बाकी कोई मित्र अगर कुछ कहना है तो मैं सभा के बाद उनको बुला ले। चुराई गांव की सड़क, ठीक है, देखते हैं। अच्छा बोलिए, भारत माता की, वीरांगना रानी अवंती बाई की, सेमरबाला और आसपास की जनता की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री भाई विजेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ नेता। हाँ बेटियों को बिठा दे भैया, बहुत देर से खड़ी है। और ये बेटी कलश उतार दो, हो गया। बेटियों की तो हम लोग पूजा करते हैं, मैं तो हमेशा कन्याओं की पूजन से शुरू करता हूँ। अब बेटियां बैठ जाएं बस। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय श्रीमान गणेश सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई पुष्पराज बागड़ी जी, आदरणीय गगनेंद्र प्रताप सिंह जी, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष धनंजय जी, आदरणीय सतीश जी, ज्ञानेंद्र जी, विकास जी, हमारे यहाँ के सरपंच आदरणीय विष्णु लोधी जी, आदरणीय विष्णु लोधी जी, ओम प्रकाश लोधी जी, अरविंद लोधी जी, सीमा लोधी जी, आदरणीय उदय सिंह लोधी जी, शीशमन लोधी जी, महेंद्र सिंह, महेंद्र लोधी जी, जगत राज लोधी जी, रोहिणी लोधी जी, राजेंद्र जी। अब चूंकि समय कम है, यहाँ के बाद एक और सभा है, फिर मुझे भोपाल निकलना है, इसलिए मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए नागर सिंह जी को भूला थोड़ी हूँ, मैंने सबसे पहला ले लिया। डाउन साहब को भी कैसे भूल सकते हैं भाई।